आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक है ऐसे, पहले पहले क्या था, स्विंग हाई एंड स्विंग लो था, हो गया ठीक है। और थ्री कैंडल फॉर्मेशंस, फिर बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हायर हाईज ये वाला, ठीक है, हायर हाई हायर लोज, ठीक है। अब क्या है, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, ये और टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक है, बेसिक ये तीनों बेसिक था, बेसिक हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में कुछ नहीं है ये सब का, बस टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ये सब का ना ओवरव्यू है, ठीक है। बस ये तीनों का बस मिक्स मिक्स में एक साथ कैसे टाइप का दिखता है, बस उसके लिए है और कुछ नहीं है, और ठीक है। और जो इसका फिर क्यूएम स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अब एडवांस में चले जाएंगे, ये सब पूरा बेसिक था, ठीक है। जो हम लोग जैसे क्यूएम स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग आगे बात करेंगे सबका, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी ये सब का बात करेंगे। बट देखो ये भी, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर जो हम लोग बात करेंगे आगे में, जो लोग नए हो उसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये जो हाई कंफर्म करता है, ये स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, इसको स्मार्ट मनी ट्रैप बोलते हैं, ऐसे क्यूएम स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारा नाम है इसका फैंसी नेम है, ओके। अब टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें क्या है, ओके। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में ना ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले जैसा ही है, ठीक है। थ्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन बस ओवरव्यू दे रहे हैं, ओके। जो एग्जाम्पल, ठीक है, जो एग्जाम्पल रहता है ना, वो सब जैसे रेड कैंडल बन रहा था, प्राइस ऐसे गया, राइट। यहाँ पर देखो थ्री कैंडल फॉर्मेशन है ना, 1 2 3, ये लो, ऐसे लाइन घिस दो, ओके। अब यहाँ पर से प्राइस ग्रीन बनने लगा, ठीक है। फिर यहाँ पर से फिर नीचे आया, ठीक है, ओके। अब ये लो है, ये हाई मान लो, एक तरह से हाई मान लो, ये लो मान लो, ठीक है। ये लो मान लो, इसको हाई मान लो और इसको लो मान लो, प्राइस ऊपर गया एंड ये डाउन साइड गया, नीचे डाउन साइड का ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, ओके। डाउन साइड का ये क्या दे दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मतलब बॉस, ओके। फिर ये जब बॉस दिया ना, फिर यहाँ से फिर वापस ये पुल बैक दिया, मतलब यहाँ पर स्विंग लो बनाया। जब स्विंग लो बनाता है क्या बनाता है, स्विंग हाई बनाता है ना। ये जब स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये स्विंग हाई है, ये वापस यहाँ पर बनाया, ठीक है। जब यहाँ पर से बनाया ना, तो इसको तोड़ नहीं पाया, ये वाला को तोड़ नहीं पाया, तो क्या हो गया, और उसके बाद फिर ये अपसाइड ब्रेक कर गया, देख रहा है, अपसाइड ब्रेक कर गया। तो अब इसको क्या बोलेंगे, माइनर स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से ये तो मेजर स्ट्रक्चर है, ओके, ये भी मेजर स्ट्रक्चर है ना। अब इसके अंदर जो भी होगा वो माइनर स्ट्रक्चर होगा, ओके। ये मेजर स्ट्रक्चर एंड ये मेजर स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर जो हो रहा माइनर स्ट्रक्चर है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, ये हाई है, माइनर स्ट्रक्चर बनने का क्या होता है, एक हाई बनेगा फिर एक लो बनेगा, फिर जैसे जैसे अपसाइड ब्रेकआउट हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हायर हाई हो जाएगा, ठीक है। मार्केट इस टाइप का चल जाएगा, हाई, अब अपसाइड ब्रेकआउट हो गया, हायर हाई बन जाएगा, फिर ये माइनर स्ट्रक्चर का एम बॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम चीज़ है, फिर प्राइस ऐसे। और जो यहाँ पर जो ऐसा पुल बैक आ रहा है ना, ऊपर थ्री कैंडल स्विंग हाई बनना ही चाहिए, जो थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर ये जब ऐसे जाएगा प्राइस, फिर वापस ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगा, ओके। ऐसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, तो अब क्या हो गया, ये एम बॉस है, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर जो बॉस है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मेजर वाला, ठीक है, तो यहाँ पर है, और ये क्या माइनर स्ट्रक्चर है, एम बॉस। और भी समझेंगे माइनर स्ट्रक्चर के बारे में, बस अभी छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। और फिर ये एम बॉस हो गया, डाउन साइड का मार्केट से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये जो हाई है यहाँ पर, एंड ये जब हाई बनाया, स्विंग लो को हाई बनाया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या हो गया, ये डाउन साइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ऐसे अभी कैसे लिखना है इसको यहाँ पर देखो, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए बताते हैं, और एक दो तो चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये छोटा वीडियो होगा इसमें, ठीक है। ये बॉस, ओके, ये मेजर स्ट्रक्चर है ना, ये मेजर स्ट्रक्चर है। अगर मान लो यहाँ पर प्राइस इस टाइप का चल जाता तो ऊपर ब्रोस हो जाता है ना, ये डाउन साइड रुक जाता है, ओके, मतलब रुक जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सिर्फ हाई है, यहाँ पर जब अपसाइड ब्रेकआउट हो जाएगा तो इसको बॉस हो जाएगा, माइनर बॉस, ठीक है, ये माइनर बॉस है, ओके। फिर ये अपसाइड ब्रेकआउट हो गया, माइनर बॉस, एंड फिर यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट हो गया तो माइनर बॉस, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनर बॉस हो जाएगा, ओके। अब एक चीज यहाँ पर देखना है, एक चीज समझना, मान लो यहाँ पर थ्री कैंडल फॉर्मेशन बन गया, ठीक है,
इस टाइप का बन गया 3 कैंडल फॉर्मेशंस। ये यहाँ पर स्विंग हाई बन गया, ठीक है यहाँ पर ये, ठीक है। तो क्या ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा? ठीक है, ये भी एक माइनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी इसके बारे में बताएंगे, यहाँ पर लो कन्फर्म हो जाएगा उसके बारे में बताएंगे, बट ये ऐसा समझो स्ट्रक्चर इस टाइप का चल रहा था, ये लो था हाई बना। अब मान लो यहाँ पर स्विंग लो नहीं बनाया, फिर भी यहाँ पर एक स्विंग हाई बना ही चुका है, जैसे जो 3 कैंडल फॉर्मेशन है ना, स्विंग हाई बना चुका है, जो स्टार वाला इंडिकेटर है उसमें ये समझ में आएगा स्विंग हाई है कि नहीं, ठीक है। या प्राइस एक्शन, मान लो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होगा ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ऐसे बना होगा ये ऐसे, ठीक है। इसलिए 3 कैंडल फॉर्मेशन है। तो और बताएंगे 3 कैंडल फॉर्मेशन में क्या सीन क्या है उसका, ठीक है। अगर ये क्या हो जाएगा, ये भी एम्बोस रहेगा, ठीक है। तो माइनर स्ट्रक्चर में बनाना, ये क्या है, इसके अंदर क्या बन रहा है, ये सब क्या, इसके अंदर में स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होगा, माइनर स्ट्रक्चर होगा। ओके, ये तो माइनर स्ट्रक्चर है ही है, ये जो है ये माइनर स्ट्रक्चर है ही, लेकिन ये वाला भी माइनर स्ट्रक्चर में ही कहलाएगा, मतलब एक तरह से ये एक तरह से मेजर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, एक तरह से, लेकिन माइनर का मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये माइनर स्ट्रक्चर में उससे भी माइनर स्ट्रक्चर है, बट इसको ऐसे लिख सकते हो एम्बोस, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर कहाँ पर है इसका, ये वाला, ओके ये वाला, इसका भी माइनर और मेजर स्ट्रक्चर में जाएंगे, बस एग्जाम्पल के लिए बस बता रहे हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल के लिए इतना ही करते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, हम लोग अभी इस टाइप का तो मार्क कर रहे हैं, हम लोग अभी इस टाइप का मार्क कर रहे हैं ना, जैसे ये प्राइस इस टाइप का है एंड इस टाइप का मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो अब लोग अभी स्टडी करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर के बारे में, कि मतलब हाई कंफर्म करने के लिए, लो कंफर्म करने के लिए, ठीक है, लिक्विडिटी वाले में, तो हम लोग समझ में आए कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम होंगे। तो वो सब अभी स्टार्ट करते हैं, बस हम लोग इसको ओवरव्यू दे रहे थे, ठीक है, 3 कैंडल फॉर्मेशन सबका। और जो ब्रेकआउट होते हैं, जैसे डाउनसाइड ब्रेकआउट होगा कि नहीं हुआ, ये चीज समझना है ना तुमको, कि भाई हाँ ब्रेकआउट हो गया कि नहीं हुआ। तो देखो ब्रेकआउट में क्या है, मान लो प्राइस ये यहाँ पर देखो, ठीक है, ये लो था, ब्रेकआउट कंफर्म कैसे कर सकते हो, ठीक है, दो तरीके से। मान लो ये प्राइस ऐसे चल गया, ठीक है, प्राइस ऐसे चल गया, तो ये भी एक तरह से बोल सकते हो ब्रेकआउट है छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये भी ब्रेकआउट है। लेकिन जब प्राइस ऐसे चल गया और प्राइस जब ऊपर जा रहा हो ना, जब यहाँ पर से ऊपर जा रहा हो ना, तो सेल ट्रेड नहीं लेना, शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये सबका और भी बताएंगे इस ये लिक्विडिटी वाले में, ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पर लेता है, सबके बारे में बताएंगे। बट अगर यहाँ पर इस टाइप का लिक्विडिटी ले लिया, तो ऊपर में जाकर सेल नहीं करना है, ठीक है। और जब रियल ब्रेकआउट क्या होता है, ये भी ऐसे ब्रेकआउट ही है, फ्रैक्टर में बता दें सेम के। तो अगर मान लो इस टाइप का प्राइस चला, ठीक है, तो अब बॉस कहाँ पर होगा ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, मतलब यही होगा, लेकिन इसको लो यहाँ पर तुम कर देना, कर रोक देना, ठीक है। इसके बाद जो लिक्विडिटी होगा ना, मतलब कि इसके बाद ये यहाँ पर बॉस होगा ना, तभी बॉस। अब मान लो जैसे यहाँ पर समझो, ऐसे समझो इसको, मान लो इस टाइप का वापस हो गया, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर वापस लिक्विडिटी ले लिया, तो क्या ये बॉस होगा, एक तरह से बोल सकते हो एक ही बार तुम लेने का, क्योंकि क्योंकि जब फ्रैक्टल समझोगे ना, तो ये सब तुम कैंडल चल जाता है ना, प्राइस चल जाता है, तो भी तुम बॉस बोलोगे, ठीक है। अभी बस ऐसे समझो कि अगर एक बार यहाँ पर था पहले प्राइस, ठीक है, और बस यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, ठीक है, लिक्विडिटी लिया यहाँ पर बोल, अभी लिक्विडिटी के बारे में नहीं है, बट जब लिक्विडिटी लिया और ऊपर जा रहा है, फिर लेकिन ऊपर नहीं गया यहाँ पर और प्राइस नीचे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर बॉस भी होगा, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक कैंडल आया फिर वापस वीक बना दिया, तो इसको इसको बॉस बोल देना, एक तरफ से मान लेना कि भाई ये बॉस है, ठीक है। और रियल बॉस क्या होता है, कैंडल क्लोजिंग चाहिए होता है रियल बॉस के लिए, जैसे कि क्या होगा रियल, ऐसे जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर का है ना, इस टाइप कैंडल क्लोजिंग चाहिए होता है, ठीक है। ये मतलब वीक नहीं आना चाहिए, जो वीक है ना, वीक नहीं आना चाहिए, ये इस टाइप कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। एक कैंडल क्लोजिंग होगा फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओके। तो ये माइनर स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाएगा, एम्बोस है, ओके।
बस इतना ही स्ट्रक्चर समझ लो। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे अभी यहाँ पर देखो प्राइस ऐसे गया, वीक वीक गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर तुम ऐसे कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर सेलिंग आना स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा कि बस एक लिक्विडिटी हंट कर देंगे, ठीक है। लिक्विडिटी वाले में बताते हैं क्या है उसमें, ओके सेम चीज़ है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट में ना क्यूएम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्यूएम स्ट्रक्चर होता क्या है, और ये जो भी स्ट्रक्चर जो समझ रहे हो ये सब एक ही चीज़ है, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइस फ्यूचर में समझ जाओ क्या है, ओके ठीक है, आज यही करते हैं।